Hey yo, what's up YouTube? Welcome back to my channel and to another video. So guys, scene कुछ ऐसा है, video कुछ ऐसा है कि आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 110 segment की एक commuter bike and बहुत ही useful है, बहुत ही अच्छी road presence आपको provide कराती है and brand name है Honda and वहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं आज Honda Livo की. ये थे बाइक के कुछ सिनेमैटिक्स एंड क्लिप्स. आई होप आपको सिनेमैटिक्स एंड क्लिप्स अच्छे लगे. अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके आपको जरूर बताना. नाउ एक्सप्लोर करते हैं बाइक के कुछ स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन से. तो यहीं पे हमको देखने को मिलता है इंजन टाइप. इंजन टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 110 सीसी का इंजन इस Honda Livo में. वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग गियर शिफ्टिंग की तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 4-speed गियरबॉक्स मैनुअल सेटअप के साथ में. एंड 4-speed गियरबॉक्स आपको मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है. आपको परफेक्ट शिफ्टिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है. एंड गाइस, अगर बात करते हैं हम लोग सेकंड स्पेक की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 110 सीसी की बाइक में डिस्क ब्रेक विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो कि बहुत ही सेफली काम करता है. एंड आपको जो बाइक का स्किड होने का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है बिकॉज आपको मिलता है यहाँ पे CBS सिस्टम. सो गाइस, अगर बात करते हैं थर्ड स्पेक की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Honda Livo के अंदर 8.5 लीटर का फ्यूल टैंक. सो कैपेसिटी जो आपकी है बहुत अच्छी है 110 सीसी के सेगमेंट में. गाइस, ये थे बाइक की कुछ स्पेसिफिकेशन. आओ अगर बात करते हैं फीचर्स की तो मेजर चेंज हमको देखने को मिलता है मीटर पे. सेमी डिजिटल हमको देखने को मिलता है, हाफ साइड डिजिटल एंड हाफ साइड एनालॉग मीटर. डिजिटल मीटर की हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है फ्यूल गेज एंड साथ ही साथ में हमको देखने को मिलता है टाइम एंड किलोमीटर, जहाँ पे आपको देखने का ऑप्शन है ट्रिप मीटर का. सो इस तरीके से कुछ है बाइक का मीटर. सो गाइस, अगर बात करते हैं मेजर चेंजेस की तो देखने को मिलता है यहाँ पे हमको टैंक पे ग्राफिक्स का एंड नियॉन एडिशन इस बाइक को अपने आप में बहुत ही अच्छी हाईलाइट देता है. एंड साथ ही साथ में अगर कलर की बात करते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा अपने आप में यूनिक है एंड इस बाइक को एक अच्छी लुक एंड रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है. एंड गाइस, अगर बात करते हैं बाइक के एग्जॉस्ट की तो होंडा मेकर्स की तरफ से बहुत ही साइलेंट आपको इंजन मिलता है. एंड वहीं पर अगर हम बात करते हैं साइलेंस की तो आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ एंड एग्जॉस्ट को आप नोट कर सकते हैं. ऑल सेट गाइज. सो टाइम है बाइक के राइड क्वालिटी की तो चेक करते हैं. एंड अभी थोड़ा टाइम इवनिंग का है सो क्लियरिटी आपको इतना अच्छे से पता नहीं चलेगा, बट मेन जो हमारा काम है वो है राइड क्वालिटी को टेस्ट करना. सो अगर बात करते हैं राइड क्वालिटी की सो यहाँ पे हमको मिलती है गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ एंड बाइक का जो इंजन है बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है. 110 सीसी के इंजन को हम लोग अगर कंपेयर करते हैं अदर 110 सीसी की बाइक से सो बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है उससे. एंड गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझे इस बाइक की. ओवरऑल अगर हम लोग कंफर्ट की बात करते हैं तो कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, सेटिंग बहुत अच्छा है, आपका जो पॉस्चर है बाइक के साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. एंड सिटी के लिए परफेक्ट कम्यूटर बाइक हमको मिलता है होंडा की तरफ से होंडा Livo. फ्यूल इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं तो 60 KMPL टू 65 KMPL हमको देखने को मिल जाता है. बट अगर बात करते हैं मेकर्स की तरफ से तो वहाँ पे हमको क्लेम मिलता है कुछ 75 KM/L का. एंड अगर हम लोग बात करते हैं बाइक की लाइट्स का तो हैलोजन बल्ब यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है एंड एक अच्छी लाइट हमको मिल जाती है रोड साइड पे. रोड प्रेजेंस की हम लोग बात करते हैं तो लुक्स काफ़ी बेटर हैं पहले से बिकॉज ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं. ओके, सो वहाँ जा रही है हमारी R15. एंड बात करते हैं अगर Livo की तो कुछ इस तरीके से इसका है लाइटनिंग. वाइट कलर की लाइट आपको यहाँ पर देखने को, वाइट LED आपको मीटर में देखने को मिल जाती है. पहले जो स्टैंडर्ड बाइक थी उसके अंदर हमको देखने को मिलती थी येलो लाइट्स, बट ये जो वाइट लाइट है अपने आप में एक यूनिक चीज़ है इस बाइक को लेके. एंड साइड मिरर्स बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, परफेक्ट है बिकॉज सिटी के लिए आपको मेन जो हाईलाइट है सिटी के लिए बाइक है एंड उसी पर्पज़ से बाइक को बनाया गया है. लॉन्ग ट्रिप्स भी आप कर सकते हो बट 110 सीसी के साथ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. सो सिटी कम्यूट के लिए बाइक बहुत ही अच्छी है.
तो आपको कंफर्ट लेवल है बाइक के साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। डेली कम्यूटिंग के लिए बाइक बहुत यूज़फुल है, बहुत प्रोडक्टिव है। सो होप करता हूँ आपको बाइक अच्छी लगी हो, क्लिप्स अच्छी लगी हो। कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स अगर नहीं समझ में आते या फिर कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बाइक का जो प्राइस है राजस्थान स्टेट में है कुछ 70,000 ऑन रोड। आई एम फ्रॉम जयपुर एंड जयपुर में जो प्राइस है बाइक का वो कुछ 70,000 है। बट ये वरी करता है स्टेट वाइज। सो गाइस यही थी कुछ बातें स्पेसिफिकेशन फीचर्स एंड ओवरऑल लुक की बाइक की। सो रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी मिलती है बाइक के साथ में, बहुत अच्छी लुकिंग है। एंड सीवी ट्विस्टर को बंद करने के बाद, डिसकंटिन्यू करने के बाद होंडा लीवो को प्रेजेंट किया था 2015 में। एंड 2019 का जो ये मॉडल है बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ एंड बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स के साथ में आपको मिलता है। बट डिस्क ब्रेक के ऑप्शन में आपको ये ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं। एंड माई पर्सनल माई चॉइस ये जो कलर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट अगर कलर की बात करते हैं लीवो में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मेटेलिक ग्रे कलर है बाइक का, बहुत ही प्यारा है। एंड ओवरऑल मुझे बाइक बहुत अच्छी लगती है एंड 110 सीसी के सेगमेंट में इस बाइक से ज़्यादा अच्छी बाइक आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। एंड यही सब कुछ था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बाइक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताओगे। एंड नेक्स्ट वीडियोस किस बाइक पे होनी चाहिए, किस कार पे होनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगा अगर रिव्यू ला सकूँ तो एक सो लाएंगे हम लोग। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में एंड अच्छी अच्छी कार्स एंड बाइक के साथ में। सो होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें एंड यूट्यूब चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लें फॉर अच्छे अच्छे वीडियोज़। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस ये थे बाइक के कुछ सिनेमैटिक्स एंड क्लिप्स। आई होप वापस ले वापस।